फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में कौन कौन से ग्रहण लगने वाले हैं और कौन कौन सा ग्रहण भारत में दिखेगा। दोस्तों, साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण और जो पहला चंद्र ग्रहण था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन अब भी दो ग्रहण हैं, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण जो कि बचे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या कोई आज या कल में या कुछ दिनों में कोई ग्रहण है और कितने ग्रहण बचे हैं, ताकि गर्भवती महिला पहले से सावधान हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ग्रहण से रिलेटेड और प्रेग्नेंट होने की टिप्स से रिलेटेड और प्रेगनेंसी सिम्टम्स से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिला को जो है बहुत ज्यादा सावधानी रखने के लिए बोला जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण के समय पर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय पर खाना बनाना नहीं चाहिए। नुकीली चीजें जैसे कैंची, सुई, चाकू, पेन पेंसिल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पड़ रहे बच्चे पर नुकसान होता है। ग्रहण के समय पर शादी, विवाह, पूजा आदि, गृह प्रवेश, ऐसे जितने भी कार्य होते हैं वो सब वर्जित माने जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को गर्भ में पल रहे जो बच्चा है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, बहुत डरी हुई रहती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, भूखी प्यासी रहती हैं। तो ऐसे में कुछ लोग ग्रहण का फायदा उठाकर, ग्रहण होता भी नहीं है तो रोज रोज ग्रहण की वीडियो बनाते हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाएं हर तीसरे चौथे दिन सोचती हैं ग्रहण है, और कुछ तो सच में ग्रहण समझ लेती हैं और खाना पीना बंद कर देती हैं, उन्हें लगता है कि सच में ग्रहण है। ऐसे में आप बार बार परेशान ना हो और बार बार मुझसे पूछते हो मैम कि आज ग्रहण है, क्योंकि आप रोज इस तरह की वीडियो देखते हो। जैसे ये वीडियो किसी ने डाला था 21 अगस्त ग्रहण है, 20 अगस्त को ग्रहण है, रोज जो भी डेट आती है उस पर ग्रहण बताया जाता है। अब आगे सितंबर में भी आपको ग्रहण बताए जाएंगे, पर ग्रहण रोजाना कैसे हो सकता है? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं बार-बार आपको कैसे बताऊं, मेरे इस चैनल पर वीडियो आ जाएगा जब भी सही में ग्रहण होगा। और अब आने वाले समय में अगर मैं ग्रहण की बात करूं तो अगस्त में कोई भी ग्रहण नहीं है, आप ये ध्यान से सुन लीजिए, और सितंबर में भी कोई भी ग्रहण नहीं है। इसलिए गर्भवती महिलाएं बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अब बात करते हैं कि ग्रहण है कब। तो देखिए, साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण है वो 14 अक्टूबर 2023 को लगेगा। अश्विन अमावस्या के दिन ये ग्रहण लगेगा। इस डेट से पहले कोई भी ग्रहण नहीं है, आप ये डेट लिख लीजिए ताकि आपको रोजाना परेशान होना ना पड़े। साल का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है वो 14 अक्टूबर को होगा, और ये सूर्य ग्रहण बल्याकार होगा। ये पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, अंटार्कटिका, अमेरिका जैसे देशों में दिखाई देगा। इसकी जो सही टाइमिंग है वो शनिवार की रात 8:34 से ये ग्रहण शुरू होकर मध्य रात्रि यानी उसी रात को 2:25 पर ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये टाइमिंग रात की है और रात को सूर्य ग्रहण जो है वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये ग्रहण जो है वो भारत में नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर गर्भवती महिलाएँ ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहें तो कर सकती हैं। बस अब गर्भवती महिलाएँ बिल्कुल परेशान ना हों, और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि गर्भवती महिलाओं को रोज रोज ना लगे कि आज भी ग्रहण है, क्या आज ग्रहण है। तो ऐसे में मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। इसलिए अक्टूबर से पहले कोई भी ग्रहण नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू।